आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के पकोड़े। मूंग दाल के पकोड़े में लगने वाली सामग्री है 250 ग्राम दाल ली है, उसको 3 घंटे पानी में भिगोया है, 2 बारीक कटे प्याज स्लाइस किए हुए, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और ऊपर से सर्व करते वक्त डालने के लिए चाट मसाला। सबसे पहले हमने भिगोई हुई दाल लेनी है। दाल में से पानी पूरी तरह से निकाल दिया है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। और फिर हमने मिक्सी में नमक के साथ पीसना है, बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। पहले हमने नमक डालना है और फिर उसको हमने मिक्सी में पीसना है। दाल पीस चुकी है, दाल को हमने थोड़ा मोटा भी रखना है, बिल्कुल बारीक भी पीसना है। अब इसको हमने अच्छे से फेंटना है, 1 मिनट हम ऐसे फेंटते रहेंगे जिससे बहुत अच्छी बनी सब्जी। एक मिनट हो चुका है, अब इसमें हमने सौंफ पाउडर डाल देना है, धनिया पाउडर डाल देंगे, फिर अच्छे से मिलाएंगे इसको। हरी मिर्च डाल देना है, मिलाएंगे। तब तक बाकी चीजें मिलाते हैं, तब तक हम तेल गरम कर लेते हैं, गैस ऑन करेंगे और पकौड़े हम सरसों के तेल में पकाएंगे। सरसों के तेल में इसलिए पकाएंगे क्योंकि सरसों के तेल में पकौड़े बड़े टेस्टी बनते हैं। सरसों का तेल है, इसको कच्चा नहीं छोड़ेंगे, इसको अच्छे से पकाना है, नहीं तो कच्चे तेल में पकौड़े भी अच्छे नहीं बनेंगे और टेस्ट भी कच्चा कच्चा आएगा। इसे सरसों का तेल को अच्छे से पकाना है। तब तक हम इसमें प्याज मिला लेते हैं। प्याज को भी अच्छे से मिलाना है। पकौड़े का मिश्रण तैयार है। तेल गर्म हो चुका है, दाल है तो दाल हाथ में छोट जाती है, इसलिए हमने थोड़ा सा पकौड़े को निकाल डालने से पहले हमने हाथ में थोड़ा पानी लगाएंगे, इससे दाल भी चिपकेगी। थोड़ा सा ऐसे दबा के आज को मध्यम कर लें। अंगूठी की मदद से शेप देना है।
और इसको अच्छे से पकाएंगे हमने, दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन करना है और अच्छे से करारा करना है, करारा होने तक पकाएंगे। एक तरफ से पक चुके हैं, दूसरी तरफ से भी पके हैं, जब तक दोनों तरफ से अच्छे से पकना जाए तब तक हमें इसको पलटते रहना थोड़ी थोड़ी देर में। दोनों तरफ से पकौड़े अच्छे से पक चुके हैं, करारे भी हो गए हैं, अब इसे हमें निकाल लेना है। ऐसे बाकी भी हमने पकौड़े डाल देने हैं। मूंग दाल के पकोड़े बनके तैयार है। अब इसमें सर्व करने से पहले इसमें थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क लें, इससे पकोड़े और भी टेस्टी लगते हैं। और इसको बरसातों के मौसम में जरूर बनाएं, आजकल बरसातों का मौसम चल रहा है तो घर पे जरूर बनाएं, हेल्दी भी है क्योंकि सरसों के तेल में बने हैं और वो दाल के भी है। और इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें, पुदीने की चटनी की रेसिपी हम पहले ही डाल चुके हैं, तो वीडियो जरूर देखें। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।